लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। 20 पन्ने के घोषणा पत्र में सपा ने कई मुद्दों का जिक्र किया है, जिसमें शामिल है 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे, किसान को सभी फसल पर एमएसपी दिलाएंगे। सपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा, 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरेंगे। निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जानबूझकर पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक कराने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर की जाएगी। भूमिहीन किसानों समेत सभी किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे। किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी। किसान आयोग का गठन किया जाएगा। भूमिहीन किरायेदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना होगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन 150 तक किए जाएंगे। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा। सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा। साथ ही युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू करने की घोषणा की।